वेलकम गाइस, आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया सवारा वक्त ने उसको जिसने वक्त का सही मतलब समझा, वरना वक्त का महत्व क्या है, ये तो बस वक्त का मारा ही समझा। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के पास में एक साल या फिर डेढ़ साल या फिर दो साल होता है, उस टाइम पर आप लोग मजे मजे में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़े, चल रही है जिंदगी ऐसे ही, मतलब टाइम का कोई मतलब नहीं है। पर सोचो कि एग्जाम के 10-12 दिन बचे हुए और उस टाइम पर कैसा माहौल रहता है, मतलब सारे जो नहीं क्या कहते हैं उस त्रिय सारे तोते नीले हो जाते हैं उस टाइम पर, यानी कि ऐसा लगता है कि बस और दिन मिल जाए, और टाइम मिल जाए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में काफी सारा टाइम हम लोग वेस्ट कर चुके होते हैं। तो हमेशा इंसान को एक मिनट की अगर उसको आप लोग समझना चाहते हैं कि उस इंसान को एक मिनट का महत्व कैसे समझ में आएगा, तो सोचो कि पूरा पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और बस आखिरी का एक मिनट बचा है जिसमें आप लोगों को ओएमआर शीट भरनी है। तो उस ओएमआर शीट को भरने के लिए 4-5 मिनट चाहिए और आप लोगों के पास में एक मिनट है, तो आप लोग उस टाइम पर किस तरीके का फील करेंगे? तो यार टाइम की इंपोर्टेंस को अगर जिंदगी में समझना स्टार्ट कर दोगे ना सही टाइम पर, तो आगे कभी भी आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, हमेशा टाइम को यूटिलाइज करोगे, टाइम को हमेशा आप लोग इन्वेस्ट करते हुए नजर आओगे। तो ये पैटर्न जिंदगी में एक बार अपना कर देखो, काफी कुछ चीजें आप लोग जिंदगी में चेंज करते हुए नजर आओगे। डेली दो वीडियो देखने को मिलती हैं, अगर शानदार तरीके से करंट अफेयर आप लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, कोई भी करंट अफेयर में दिक्कत देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। टेलीग्राम से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप भी है जहां पर जाकर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग ग्रुप है, यहाँ पर जाकर आप लोग आंसर लिख सकते हैं और यहाँ से आप लोग ये पर्टिकुलर ग्रुप से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ और जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं वो सारी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, तो इनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, यहाँ पर 140,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को भी जरूर फायदा होगा। एक इंपॉर्टेंट फायदा ये तो होगा ही कम से कम कि जो वीडियो पब्लिक होती है और जो वीडियो यहाँ पर डाल दी जाती है उसमें लगभग 15-20 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि यूट्यूब प्रोसेसिंग लेकर जब पब्लिक करता है, जब नोटिफिकेशन भेजता है, तो यहाँ पर वीडियो आप लोगों को लगभग आधे घंटे पहले तक मिल जाती है। तो ये आप लोग जरूर कीजिए जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले, आते ही वीडियो आप लोग एकदम देख पाए। ओके, काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा, पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओवरव्यू जो होगा ये इन द फॉर्म होगा किसकी, ये होगा यहाँ पर क्विज की फॉर्म में, तो टकटकी लगाकर लेक्चर देखना। तो देख लेते हैं क्या क्या है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा SPIN ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है वो सब चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसके बारे में। बात करें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है ये आप लोगों को बताना है। आगे बात की जा रही है दो इंडियन जो बच्चे हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है, मतलब इंडियन है बच्चे नहीं, बेसिकली दो इंडियन है। तो यहां पर ये 15 जो फाइनलिस्ट जो है उसमें इनको सेलेक्ट किया गया, इनके टोटल एक साल में 15 लोगों को प्राइज मिलना था, तो 15 में से दो इंडियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये जो दो इंडियन है इनको ये प्राइज मिलेगा। इस प्राइज का नाम है यहां पर अर्थ सूट प्राइज, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहली बार ये प्राइज यहां पर दिया जा रहा है, लास्ट ईयर यानी कि 2020 में ही इस प्राइज को स्टार्ट किया गया था, तो पहली बार प्राइज दिया जा रहा है और पहली बार में ही इंडियन को मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट खबर हो गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थ सूट प्राइज 2021 जो है यहां पर ये बेसिकली लॉन्च किया गया किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा, तो ये क्या काम किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए दिया जाना है, तो दोनों ही बातें आप लोगों को बतानी है। तो अक्टूबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है याद रखना। कौन सा आर्टिकल है इसके बारे में आप लोगों को बताना है जो इंपावर करता है प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम करने के लिए इमरजेंसी, अपने देश में अगर इमरजेंसी लगानी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है, तो ये आप लोगों को बताना है, ये इसके बारे में बात करेंगे। क्यों है न्यूज में, क्योंकि श्रीलंका में अभी इमरजेंसी थी तो उसको लेकर आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, अगर कहीं पर कुछ बातें चल रही है तो अपनी कंट्री में उसके लिए क्या प्रोविजन है हमारे संविधान में, तो ये चीजें कुछ आप लोगों को बता होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सी योजना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी जिसके तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे नॉन कॉर्पोरेट एक तरीके से नॉन फार्मिंग स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, यानी कि ना तो कोई कॉर्पोरेट हो ना ही कोई फार्म से रिलेटेड हो, छोटे छोटे जो लघु बिजनेस कोई लगाते हैं, छोटे छोटे जो उद्योग उनको हेल्प की जाएगी। तो यहां पर कौन सी स्कीम थी, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझेंगे यहां पर इसके बारे में। और ये मुझे क्वेश्चन बनाना था, ये क्वेश्चन नहीं बना, ये बेसिकली क्या बात की जा रही है इसके बारे में समझेंगे। अभी हुआ क्या है, यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास में यहां पर बेसिकली एक रिक्वेस्ट गई है, यहां पर जिसके चलते पिटीशन गई है, जिसके चलते बोला गया कि 3OS, ठीक है, तो 3OS यहां पर क्या बोला गया, एक को बोला गया ऑक्सीबेंजोन, दूसरे को बोला यहां पर ऑक्टिनोक्साइड और तीसरे को बोला गया यहां पर यह है ऑक्टोसाइक्लिन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट है जिसकी वजह से यहां पर कोरल रीफ काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है,
तो डायरेक्ट आप लोगों से अगर यहां पर O3OS करके पूछ ले जाए क्या है तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। तो आर्टिकल काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी एक एक करके, ठीक है। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, कई बार इस तरह की चीज देखने को मिलती है, हम लोग जाने अनजाने में ऐसी हरकतें करते रहते हैं तो उसकी वजह से कई सारे नुकसान, कई सारी जो जीव जंतु को झेलने पड़ते हैं, तो हमको उसके बारे में बेसिकली बातें करनी चाहिए तो हम लोग चीजों को समझ भी पाएंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट डे है यहां पर, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ट्रांसलेशन मतलब आप लोग मान लीजिए आज के डेट में कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं समझते हैं, ठीक है, आप लोगों को हिंदी आती है और इंग्लिश आती है और कोई अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, पर लेकिन कोई फ्रेंच पर्सन आ गया आप लोगों के गांव में घूमने के लिए तो कोई ट्रांसलेशन करने वाला बंदा आएगा या फिर इंग्लिश बोलता होगा अगर वो फ्रेंच तो आसानी से काम कर पाएगा। तो ट्रांसलेशन एक तरीके से कनेक्टिंग मीडियम हो गया आज की डेट में। तो इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप लोग किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, जापानी अगर लैंग्वेज जानते हैं, जापान घूमने जा रहे हैं, ठीक है, जर्मन जा रहे हैं, जर्मनी लैंग्वेज, तो कम से कम अगर नहीं है तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो गई आज के डेट में, जिसके चलते इंग्लिश जो है आज के डेट में एक सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज हो गई इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि यहां पर कहीं ना कहीं कनेक्टिंग मीडियम हो गई है, ठीक है। चाइना में जाओगे तो आप लोग मंडारिन लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप लोग जाकर वहां पर इंग्लिश बोलोगे। तो ये एक तरीके से ट्रांसलेशन जो होता है वो इसके थ्रू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो 30 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और थीम काफी प्यारी है, बोला गया कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट भी करता है लोगों को जब हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आज की डेट में हम लोग इंडिया में बैठे हुए पता नहीं कैसी कैसी नेटफ्लिक्स पर या अमेजन प्राइम पर हम लोग आज के डेट में सीरीज देखते हैं, ठीक है, उसके नीचे क्या रहते हैं, कई बार टाइटल लिखे रहते हैं, सब टाइटल लिखे रहते हैं तो उनको पढ़ पढ़कर हम लोग समझते हैं या फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तो हम लोग उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ट्रांसलेशन एक मीडियम हो चुका है काफी प्यारा जिसके थ्रू लोग कनेक्ट हो पाते हैं। हर भाषा में अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर हेलो बोला गया इंग्लिश में, यहां पर ये कौन सी लैंग्वेज में, इसको यहां पर बेंजोर बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में होला बोलेंगे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, यहां पर बात की जा रही है कायो किसी लैंग्वेज में उर्दू में, इस तरीके से हिंदी में इसको नमस्कार बोलेंगे। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में बोला एक ही शब्द गया है पर अलग अलग लैंग्वेज में बोला गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी इंपोर्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हेलो इंग्लिश और हिंदी में नमस्कार, ओके। तो ये बातें हैं बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी लैंग्वेज को कभी भी आप लोगों को पीछे नहीं हटाना है, हमेशा जहां भी मौका मिले अपनी लैंग्वेज को आप लोग जरूर यूज कीजिए। काफी अच्छे तरीके से आप लोग एक तरीके से होने कि हाँ अपनी लैंग्वेज को बोलने में आप लोगों को अच्छा फील करना चाहिए, तो वो वाली बातें की जा रही है, ठीक है। यहां पर एक आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पहले उससे पहले आप लोगों के सामने है यहां पर बेसिकली ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को पॉलिटिकल कुछ सेक्शन कवर करा देता हूं। अगर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, ठीक है, तो आर्टिकल संविधान के अंदर में 360 ये यूज किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए तो यहां पर कंडीशन समझनी पड़ेगी देश में क्या है, ठीक है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि सारे काम जो है प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं और करता कौन है, वह करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं इमरजेंसी के लिए कि हाँ देश में कोई ऐसी कंडीशन बनी है कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है या फिर क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है या फिर एनी अदर पार्ट में कुछ ऐसी थ्रेटन है यहां पर, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। सिचुएशन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही है इन चीजों के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं लग रही है, देश की क्रेडिट कंडीशन सही नहीं लग रही है या फिर कोई और कंडीशन ऐसी चल रही है, ठीक है, जो कि यहां पर एक तरीके से किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में भी यहां पर इसको लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं पूरे देश में ही, तो आर्टिकल 360 यहां पर इसके बारे में बात करेगा, ग्राउंड है डिक्लेयर करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने देश में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर बात करें पार्लियामेंट अप्रूवल की तो याद रखिएगा पार्लियामेंट में अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहां पर देखा कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है, लगे ना कभी भी दुआ भी, ये मतलब एक तरीके से इस चीज दुआ करना कभी नहीं लगे हमारे देश में, तो ये अगर बात करें प्रोक्लेम्ड अगर किया जाए, हाँ डिक्लेयर किया जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो यहां पर अप्रूव किया जाएगा दोनों हाउस के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 2 मंथ, यानी कि जिस दिन से फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो 2 महीने के अंदर अंदर इसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, तभी ये आगे कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर रहेगा हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और चीजें चल रही है, कोई नहीं देख रहा है, पता चला क्या क्या हरकतें चल रही है, तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर संविधान में इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक प्रॉपर प्रोविजन रखा गया, जिस दिन से इशू किया जाएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम लोग को पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, और इसी के साथ में अप्रूव कर देता है जब यहां पर पार्लियामेंट, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी यहां पर इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड, यानी कि जब तक इसको रिवोक किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तब तक इसी तरीके से कंटिन्यू रहने वाली है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या आप लोगों को कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि एक तरीके से जो देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे मैटर जो होंगे फाइनेंस के उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लेगी, यानी कि स्टेट भी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहां पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, सैलरी और जो अलाउंसेस हैं सारे यहां पर ऑल ओवर द क्लास जो भी यहां पर एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है जो सर्व कर रहे हैं उनकी सबकी सैलरी रिड्यूस की जाएगी अगर जो भी सुटेबल लगेगा। इसी के साथ में अगर बात करें जो भी यहां पर बिल होंगे यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, वो सारे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जाएंगे, चाहे बिल या फिर अदर फाइनेंशियल बिल जिसमें मनी मैटर की बात की जाएगी, तो सारे यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यानी प्रेसिडेंट के
कंसिडरेशन के लिए लिया जाएगा। इसी के साथ में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर वो रिड्यूस कर सकते हैं सैलरी यहाँ पर ऑल द पर्सन जो सर्व कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, इवन यहाँ पर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के। नॉर्मली ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जज हैं उनको इंडिपेंडेंट रखना है, पर लेकिन अगर देश के अंदर इमरजेंसी लग गई है तो यहाँ पर कंडीशन है कि उनकी ये सैलरी वगैरह भी यहाँ पर चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो अगर कोई स्टेटमेंट बन जाए कि नहीं चेंज कर सकते तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर चेंज कर सकते हैं। आखिर ये टॉपिक मैं आप लोग क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इकोनॉमिक इमरजेंसी देखने को मिली थी रिसेंटली श्रीलंका के अंदर में, तो कंडीशन क्या बन गई जिसकी वजह से इकोनॉमिक यहां पर ऐसी कंडीशन खराब बन गई। तो यार देखिए श्रीलंका ना आज के डेट में अपनी आधे से ज्यादा चीजें, तो आधे से ज्यादा क्या सारी चीजें लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा ये गिरवी रख चुका है चाइना के पास में, इसकी वजह से यहां पर कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर बात करें फोरेक्स रिजर्व के बारे में श्रीलंका के बारे में, एक टाइम ऐसा था कि फोरेक्स रिजर्व यहां पर आप लोगों को 7.5 बिलियन देखने को मिला था 2019 में, ठीक है, पर लेकिन आज की डेट में फोरेक्स रिजर्व जो है 2.8 आ गए थे यहां पर जुलाई के महीने में, और फिर और भी नीचे यहां पर चीजें पहुंची। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, देश के अंदर बुरी कंडीशन मच गई, कुछ कुछ ऐसा जैसा हमारे देश में नहीं 1990s में माहौल बना था हमारे देश में जब यहां पर एलपीजी रिफॉर्म आए थे, तो हमारे देश की भी खस्ता हालत हो गई थी यहां पर, हमारे पास में हमारे देश में एक तरीके से बड़ी बुरी कंडीशन उस टाइम पर देखने को मिली थी। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इकोनॉमिक इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो फूड है, ठीक है, एक तरीके से फूड के प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे, ठीक है, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी थी यहाँ पर, और एक तरीके से यहाँ पर और भी यहाँ पर जैसे कि फोरेक्स रिजर्व वो भी खत्म हो चुका था। फोरेक्स रिजर्व क्या काम करते हैं, अगर फोरेक्स रिजर्व आप लोगों के पास में पैसा है तो बाहर से आप लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ सकते हैं, जैसे कि आप लोग डीजल खरीद लिया, पेट्रोल खरीद लिया, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आए, कोई कुछ दूसरे सामान खरीद कर लेकर आ गए, तो ये काम यहां पर करता है। इमरजेंसी जो यहां पर इनके द्वारा डिक्लेयर की गई है ये पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के तहत यहां पर जो भी यहां पर इसेंशियल गुड है उनके लिए यहां पर ऐसा लगेगा कि कोई भी इसेंशियल गुड को होर्डिंग नहीं करेगा, ये जनता में पहुंचती रहनी चाहिए क्योंकि प्राइस जो है काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गए। तो फैक्टर क्या है रेस्पॉन्सिबल अगर कोई पूछे यहां पर, तो नॉर्मली अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है किसी भी कंट्री में तो इस तरीके के फैक्टर आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो अंडर परफॉर्मिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, श्रीलंका काफी बड़ा सेक्शन था जो कि टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता था, पर लेकिन फिलहाल जो है यहां पर ये टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई COVID-19 के चलते, तो लगभग 10% इकोनॉमी जो है इनकी डूब गई, यानी कि इनकी 10% जो यहां पर इनके यहां पर जो पैसा आता था इनकी जो GDP आती थी वो यहां पर निकल कर आती थी टूरिज्म से, तो ये बर्बाद हो गई, तो इसकी वजह से कंडीशन खराब देखने को मिली। करेंसी जो है एक तरीके से उसका डेप्रिशिएशन होना, यानी कि आज की डेट में चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, इसके वजह से ये चाइना की गोद में बैठा हुआ है, बिक चुका है चाइना के हाथों, तो करेंसी की खस्ता हालत हो चुकी है यहां पर, करेंसी की खस्ता हालत यानी कि बिल्कुल डाउन जा चुकी है करेंसी, तो इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई देश के अंदर में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया इनफ्लो फॉरेन जो करेंसी है वो काफी कम हो गया, क्योंकि कोई भी लोग जो है उस कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे जिस कंट्री की खस्ता हालत है ऑलरेडी। तो फूड की शॉर्टेज भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, तो कई सारी ऐसी चीजें यहां पर सामने निकल कर आई। तो ये जो इमरजेंसी यहां पर देश में भी देखने को मिली, तो इसके चलते गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटेल प्राइस है, इसेंशियल जो फूड आइटम है, ये सारी चीजें हैं उनको फिक्स करने की बात की गई, ताकि कोई भी हरकतें न करें और यहां पर सबको सारे सामान ये प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। तो ये इनके द्वारा यहां पर स्टेप उठाया गया, पर जिस तरीके से यहां पर इसको टैगल करके चल रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऑथोरिटी जो है यहां पर क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है किसी भी इंसान को, वारंट इशू कर सकती है किसी के भी नाम पर, सीज कर सकती है किसी की भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी, किसी के भी घर में, किसी के भी ऑफिस में जाकर ये यहां पर चेक कर सकते हैं चीजों को। सस्पेंड कर दिया गया लो जो इशू किए जाते हैं यहां पर ऑर्डर, मतलब एक तरीके से कोर्ट में यहां पर कोई नहीं जाने वाला है, कोई कोर्ट इसमें क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक यहां पर कोई ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर कल को कोई जेके इनके खिलाफ कहीं जाता भी है ऑफिस यहां पर कोर्ट वगैरह में कहीं पर, तो इनको इम्यून कर दिया गया लो सूट, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे देश में कंडीशन को संभालने के लिए। यानी कि मिलिट्री जो है वो काफी पावरफुल यहां पर उनके हाथ में पावर दे दी गई है, इंश्योर करेगी कि इसेंशियल आइटम जो है लोगों तक पहुंचते रहे और यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस किया गया गारंटी वो प्राइस लोगों को मिल सके। आप लोग बोल सकते हैं कि देश में मिलिट्री जो है उसके हाथ में पावर यहां पर दे दी गई है। अब क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या किया गया कि इमरजेंसी रेगुलेशन में यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्रोटेस्ट करे तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, और अदर डेमोक्रेटिक जो एक्शन है उन सबको खत्म कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से यहां पर जनता जो है वो चाहकर भी यहां पर अपनी बातें नहीं रख पाएगी और यहां पर उनको तुरंत उनको पकड़कर जेल में डाला जाएगा। ठीक है, श्रीलंका जो है अगर बात करें तो यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उनके कंट्री में है नहीं, जैसे हमारी कंट्री में PDS है, ठीक है, राशन कार्ड है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से काफी सारे कंज्यूमर प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो जो रेगुलेशन है वो ढंग से अब एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई बेसिक ढांचा ही नहीं है।
तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है साइड में, कि लोगों ने अपनी घरों में चीजों को रख लिया है उठा उठा के, जैसे देश के अंदर के यहाँ नमक खत्म हो जाएगा तो लोगों ने नमक खरीद खरीद के रख लिया दुनिया भर का, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है जब किसी चीज का हवा उड़ जाता है ऐसा, तो तब चीज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि एक तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से एक मिलिट्री सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। तो पता चला कल को चल के म्यांमार जैसा कंडीशन हो गई यहाँ पर भी, तो ये भी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। जैसे वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया म्यांमार के अंदर में, तो वहां पर हो सकता है श्रीलंका में ऐसी कंडीशन कल को कोई देखने को मिल जाए। अगर बात करें इकोनॉमिक इमरजेंसी की, श्रीलंका के अंदर बात करें तो वेरी डिफरेंट है हमारी कंट्री की फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो ये आर्टिकल 360 के अंदर हम लोगों ने देखा, तो इसके साथ में इसको कंपेयर मत करना, हमारी कंट्री काफी डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने, तो ये काफी मैंने सोचा कि इसको ढंग से बताता हूँ अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करके, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, जो यहाँ पर नेक्स्ट बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर एक अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं द अर्थ सूट प्राइज। तो ये अर्थ सूट प्राइज अभी यहाँ पर 2020 में बेसिकली ये सामने निकल कर आया, और इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया और पहली बार यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली अभी न्यूज में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो इंडियन है जिसका नाम है, देखिए आप लोगों से नाम पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहली बार दिया गया, ठीक है। तो विनेश है और इसी के साथ में यहाँ पर विद्युत है, ठीक है। तो दोनों वी है, तो विनेश और विद्युत, तो टोटल मिलाकर 15 लोगों को मिला है, तो हमारी कंट्री में से दो हैं, ठीक है। एक तो 14 ईयर ओल्ड ये तमिलनाडु की एक स्कूल गर्ल है, जिसके द्वारा सोलर पावर्ड आयरन कार्ट यहां पर बनाया गया, और दिल्ली एक एंटरप्रेन्योर है, एग्रीकल्चर वेस्ट को रिसाइकल करने वाला पर्सन है, यानी कि एक बच्ची है और एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनको यहां पर इसमें फाइनल लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया, जो टोटल 15 मेंबर की लिस्ट है यहां पर। ये इंपॉर्टेंट बात क्या पूछी जा सकती है आप लोगों से, तो बेसिक चीजें कुछ जान लेते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर फर्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही है तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि ये जो लॉन्च किया गया, ये जो ब्रिटेन के प्रिंस है विलियम, उनके द्वारा ये प्राइज लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो पृथ्वी को एक बचाने के लिए, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है कोई सॉल्यूशन देता है, तो उसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहां पर प्राइज जो है ये ब्रिटेन के जो प्रिंस है विलियम, अक्टूबर 2020 में इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि पृथ्वी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसका सॉल्यूशन निकाले, तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। ये बेसिकली इंस्पायर है एक तरीके से, अगर आप लोग बोले जो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी, तो इनके द्वारा यहां पर मूनसूट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके चलते यूएसए के अंदर में यहां पर अपोलो लुनार जो लॉन्च एक तरीके से लॉन्च किया गया, और फर्स्ट मैन यहां पर मून पर जाकर पहुंचे 1969 में, ठीक है। तो अपोलो 11 मिशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग थे पहले पर्सन जिसके द्वारा चांद पर कदम रखा गया, उनके साथ में जो सेकंड पर्सन थे उनका नाम आप लोग बताइए, जिनके द्वारा यहां पर सेकंड पर्सन कौन थे बताइए चलिए आप, ठीक है। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये है यहां पर बेसिकली विलियम, जिनका नाम याद रखेगा तो प्रिंस विलियम ब्रिटेन के, इनके द्वारा यहां पर बोला गया पैसा दुनिया भर का है, ठीक है, एक पुस्तानी जायदाद है, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजों में लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है यहाँ, ठीक है ना, एक तरीके से एक मतलब एक तरीके से कुछ किया नहीं है, एक रईस खानदान में पैदा हो गया इंसान, दुनिया भर का पैसा है, तो अच्छी बात यहाँ पर यह कि ये दुनिया के लिए सोच भी रहा है, ठीक है। तो ये अप्रिशिएट करने वाला एक मूव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, वरना लोग वैसे ही अय्यासी में पैसे को उड़ाते हैं जब यहाँ पर फ्री में ऐसा पैसा मिल जाता है हाथ में, ठीक है। अगर बात करें थीम के बारे में, तो बात की गई यहाँ पर बेसिकली फाइव, ये यहाँ पर अर्थ सूट यानी कि पांच चीजों पर फोकस किया गया है। एक तो नेचर को बोला गया प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर करना है नेचर, क्लीन अपने जो एयर करना है, रिवाइव करना है ओशन को, ठीक है, बिल्ड करना है वेस्ट जो फ्री जो वर्ल्ड एक तरीके से, और फिक्स करना है ओवर क्लाइमेट को। तो पांच थीम यहां पर बेसिकली जिसके ऊपर फोकस दिया जाना है, और बेसिकली टारगेट आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इनको अचीव करने की भी बात की जा रही है 2030 तक का, क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिनको MDG बोलते थे हम लोग, उनको रिप्लेस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। तो टोटल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हुआ करते थे, 8 हुआ करते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने, फिलहाल ये 17 है, वो 2015 तक खत्म हो गए थे। 2015 से लेकर 2030 तक का जो टारगेट आया उसमें क्या आ गए, उसमें आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, इनसे क्या क्या बातें, कि धरती पे से गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, अच्छी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, पानी साफ सुथरा मिलना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, लाइफ बिलो वाटर लाइफ ऑन लैंड, पीस के साथ में रहना है, सारी इंस्टीट्यूशन काम करें और पार्टनरशिप में मिलकर काम करेंगे,
डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, ठीक है, एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए यहां पर, जहां पर भी काम करें यहां पर इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का ढांचा होना चाहिए, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए, सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए जहां पर लोग रहते हैं, और इसी के साथ में बात की जा रही है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए, बर्बाद नहीं करनी है चीजें ऐसी आनन फानन में। तो ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बातें करते हैं इन चीजों के बारे में, तो उसी के चलते 2030 तक का बोला गया इनको अचीव करना है, तो उसी के पैटर्न पर यहां पर इनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं। और ये जो अवार्ड है यहाँ पर, ईच विनर जो है वो रिसीव करेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर शो क्विज करेगा कि जो एक तरीके से एम्बिशियस जो भी लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ निकाल रहे हैं तो उसको आगे अडॉप्ट भी किया जाएगा। £1 million जो है ये प्राइज मनी यहाँ पर रहेगी सपोर्ट करने के लिए इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए जो कि यहाँ पर एग्री किए गए हैं विद विनर, ठीक है। इसी के साथ में प्राइज जो है वो अवार्ड किया जाएगा एक तरीके से इंडिविजुअल को भी टीम को भी, कोई कोलेबरेटिव इफेक्ट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया है उसको ये प्राइज मिलेगा। एडिशन टू प्राइज जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन एडिशन टू द प्राइज काउंसिल द अर्थ सूट प्राइज यहाँ पर सपोर्ट करता है ग्लोबल अलायंस, एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड जो कि शेयर करता है एम्बिशियस प्राइस टू रिपेयर द प्लैनेट, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं कि कैसे पृथ्वी को रिपेयर करना है ये फोकस है पूरा, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कि अभी क्या होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर होने वाली है, तो ये ग्लासगो में देखने को मिलेगी आप लोगों को यूके के अंदर, ठीक है, अभी 2019 में नवंबर के महीने में, यानी कि अभी सितंबर में है आप लोग, अगला अक्टूबर में, फिर उसके बाद में नवंबर में है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली क्यों है इतना फोकस, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर काफी ज्यादा है जो प्लैनेट चेंज हो रहा है, और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इसकी भी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई, तो कई सारी बातें इसके चलते बोलेगी कि चीजों को सुधार लेते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक बातें, आई होप कि माइंड में आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको दूर कर लिया करो, ये चीजें ऐसी हैं कि माइंड में जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, ओके। अब आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगी, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, समझते हैं इसके बारे में। ये यहां पर बोला गया कि जो सनस्क्रीन आप लोग यूज करते हैं, पहले बताइए सनस्क्रीन कौन कौन यूज करता है, ठीक है, जैसे ये धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन यूज कर लिया, ठीक है, तो आप लोग को देखने को मिलेगा नॉर्मली जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसको रोकने का भी बेसिकली नॉर्मली मानते हैं कि हाँ सनस्क्रीन से स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक्चुअली मैंने तो देखो आज तक यार यूज की नहीं है, तो मुझे ज्यादा आइडिया तो इसके बारे में है नहीं, पर हाँ देखा है लोगों को कि कईयों ने यूज करते हैं सनस्क्रीन, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि कई तरीके से आते हैं कि नेचुरल, मतलब कहते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट, मतलब जो भी है देख लेना आप लोग, ठीक है। अब फिलहाल मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह कि जो सनस्क्रीन यूज की जाती है उसमें कई सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, खासकर किसको, कोरल रीफ को, जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा कोरल रीफ जो समुद्र के अंदर एक शानदार इन्वायरमेंट होता है उसको बर्बाद करने का काम करते हैं यहाँ पर ये सनस्क्रीन, इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, कोरल ब्लीचिंग कर देते हैं। कोरल ब्लीचिंग मतलब एक तरीके से सूखने लगते हैं और उनकी कहानी खत्म होने लगती है, एक तरीके से अधमरे हो जाते हैं यहाँ पर ये, और जो खासकर एक कोई समुद्र के अंदर एक तरीके से जीता जाता जो पूरा इन्वायरमेंट का ही सिस्टम है ये उसको बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो नॉर्मली कैसे होती है कोरल ब्लीचिंग, अगर आप लोगों से कोई पूछे, एक तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है उसकी वजह से होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी की वजह से यहाँ पर अगर पोल्यूटेड पानी इसमें आकर मिल रहा है उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर ओवर एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर अगर सनलाइट, बहुत ज्यादा सनलाइट है किसी पर्टिकुलर एरिया में और वहां पर कोरल रीफ टेम्परेचर बढ़ने की बात हो जाएगी वही डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, जहां पर एक्सट्रीम लो टाइड रहते हैं वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी ज्योग्राफी के अंदर अगर कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ देगी कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, कोरल रीफ पर क्यों इंपैक्ट पड़ता है यहां पर, क्या क्या फैक्टर है उसके, तो ये फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, बेसिकली यहां पर ये अगर बात करें इसके बारे में तो इसके अंदर जो एल्गी होता है, ठीक है, तो यहां पर वो एक तरीके से यहां पर इसको छोड़ देता है और फिर यहां पर ये काम नहीं कर पाता एक तरीके से, नहीं खाना बनाने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है पेड़ पौधों में, जब भी वो अपना खाना बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है अगर होनी बंद हो जाए एक बार को पेड़ पौधों में तो क्या वो अपना खाना बना पाएंगे, तो उनकी हरी पत्तियां क्या रह पाएंगी, तो खत्म होने लगेंगी। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इसी तरीके से कोरल रीफ पर इंपैक्ट पड़ता है। तो अभी एक पिटीशन गई यहां पर यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको FDA बोलते हैं यहां पर, जैसे यहां पर FDA हो गया, ठीक है, तो अपनी कंट्री में क्या है यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, जैसे यहां पर फूड, जैसे यहां पर यूएसए का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया यहां पर कि फेड रिजर्व के बारे में, फेड रिजर्व क्या है, यूएसए का सेंट्रल बैंक है, ऐसे हमारी कंट्री में क्या है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ना चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जब भी आप लोग हिस्ट्री पढ़ने बैठे, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर बात करूं, तो हमारी कंट्री में कोई इंसिडेंट हो रहा है उसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोरिलेशन है, कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उनको आप लोग हमेशा काउंट करके चलो पैरेलल में, अगर समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि ये निकल के कहां से आ रहा है, ठीक है।
पता चला घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, मतलब घर में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो गुस्सा है, उसने क्या किया, लड़ाई कर दी सबके साथ। तो ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, लड़की और इंसान घर में तो सब शांति थे, पता चला बाहर किसी ने उसको पीट दिया पकड़कर, इसलिए घर पे आगे सबको जोर जबरदस्ती दिखा रहा है, ठीक है, बाहर बेइज्जती हो गई है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब कहीं और कुछ हुआ, इसकी वजह से रिएक्शन कहीं और निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर थ्री ओज के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर पहले बोला गया यहां पर बेसिकली ऑक्सोबेंजोन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थ्री ओज के बारे में आप लोगों से कोई पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला गया यहां पर ऑक्सीनोक्सेट, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीनोक्सेट, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर तीसरा है, यहां पर इसको बोलते हैं ऑक्सीटोक्रिलिन, ठीक है, तो ऑक्सीटोक्रिलिन यहां पर ये आप लोगों को तीसरा ओ देखने को मिलेगा। तो देखिए तीन ओ के नाम एक बार लिख लिख कर देख लेना, ठीक है, तो यहां पर ये ओ थ्री जो है यहां पर बेसिकली अगर ये किसी पर्टिकुलर क्रीम के अंदर पाए जाते हैं, नॉर्मली पाए जाते हैं, तो ये कोरल रीफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एवोबेंजेन, ठीक है, एक ये भी यहां पर ही, ठीक है, बाकी तीन ओ हो गए यहां पर, तो काफी खतरनाक इंपैक्ट डालते हैं कोरल रीफ पे। तो यहां पर ये सारे क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, यानी कि हम लोग कोई क्रीम ऐसी बनाते हैं जिससे हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग नहाते धोते हैं। मान लीजिए आप लोग क्रीम लगा के आप लोग मतलब आसपास में गए ना, कोस्टल एरिया में रहते हैं, और आप लोग नहा धो के एक तरीके से उसमें समुद्र में नहा कर आए, वहां पर कोस्टल एरिया में बीच पर जाते हैं जब नहाने के लिए, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी ने एक सनस्क्रीन लगा रखी है, तो मैक्सिमम टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वहां पर ही दिक्कतें देखने को मिली है। कई सारी कंट्रीज के ऊपर स्टेप भी उठा रही है कि सनस्क्रीन को बैन कर रहा है, अगर कोई सनस्क्रीन लगाकर आएगा कोस्टल एरिया में तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो डिमांड ये की गई है कि नोट जनरली रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो सेफ एंड इफेक्टिव एक्ट माना जाता है, तो यहां पर इसको बोला गया कि इसको ग्रेस जो यहां पर कैटेगरी थर्ड है उसमें रखा जाए, डिमांड की गई है बेसिकली इसको, यानी कि यूएसए के अंदर मुहिम उठी है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी इसके बारे में लोग बातें करते हुए नजर आएंगे। थ्री ओ जो है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं यहां पर नॉर्मली, जो कि 2/3 जो ऑल सनस्क्रीन है उसके अंदर पाए जाते हैं, और ये पब्लिक हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मैरीन लाइफ को और कोरल रीफ को, तो यहां पर आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यानी कि डायरेक्ट अगर आप लोग इनको यूज करते हो तो ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम में आते हैं। मान लीजिए आप लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने नहाने के बाद में पानी के थ्रू इसको बहा दिया, वो पानी जो है आगे चलकर पता चला कोई आसपास में सब्जियां उगा रहे हैं। अभी दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिला ना, जो दिल्ली में जो गंदा पानी है यमुना का, उससे सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो उसमें लेड यानी कि शीशे की क्वांटिटी काफी ज्यादा पाई गई, उसमें कई सारे और टॉक्सिक कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोग रहते हैं, साफ पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो यहां पर सब्जी के लिए कौन पानी कहां से लेकर आएगा, तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो जो पानी हम लोग बर्बाद करके भेज रहे हैं वही इनडायरेक्ट वे में हमारे सब्जी फल फ्रूट्स के मैटर में मतलब डायरेक्ट हमारे पास में वापस भी आ रहा है, तो ये चक्कर आप लोग देख सकते हैं। ऑक्टोक्रिलिन अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, ये काफी खतरनाक इंपैक्ट यहां पर डालता हुआ नजर आता है, खासकर अगर देखें, ठीक है, इसी के साथ में बेंजोफेनोल, तो यहां पर ये एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, कई सारे तरीके से हार्मोन्स और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें भी यहां पर इंपैक्ट डालता है। तो यहां पर कहने का मतलब यहां पर ये कि इंसान की ह्यूमन सेल को भी डैमेज करने का काम करते हैं, कैंसर का काम करते हैं, एक तरीके से हार्मोन्स को डिसरप्ट करने का काम करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पर ये बेसिकली कोरल रीफ के लिए है, मैंने बोला ना कि इंसान की हेल्थ पर भी इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है, इवन ब्रेस्ट जो है बेसिकली जो महिलाएं होती है बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, तो उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ब्लड और यूरिन के अंदर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, एलर्जी लोगों को होती नजर आएंगी, तो ये सारी चीजें यहां पर इससे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और कोरल रीफ पे यहां पर बेसिकली ऑक्सोबेंजीन जो है कोरल रीफ पर यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ऑक्टोक्रिलिन यहां पर ये इंपैक्ट डालता है और ऑक्सोबेंजीन आप लोगों को यहां पर ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि यहां पर एक तरीके से ज़ॉम्बी कोरल होते हैं, इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि कहानी खराब हो रही है, कोरल ब्लीचिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जिसकी वजह से ये कंडीशन है, तो इसको रोकने की बात की जा रही है। तो साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिकली जनरल साइंस के अंदर की हाँ ऐसी चीजें, और ज्योग्राफी के अंदर पोर्शन बन जाएगा कोरल रीफ के बारे में, तो आप लोगों को ये पूछो अगर मैं क्वेश्चन हमारे देश में कोरल रीफ जो है वो कहां पर मेनली पाए जाते हैं, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछो तो देखता हूं कौन कौन आंसर देता है, बताइए जरा, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट करना, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है SPIN के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया यानी कि देश का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाना, तो भारत की क्षमता को बढ़ाना, मजबूत करना, तो उसके बारे में बात की जा रही है। किसके लिए है ये स्कीम यहां पर, बेसिकली ये स्कीम है एक पोर्टर जो होता है उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, पोर्टर मतलब कुम्हार जिसको बोलते हैं हिंदी में आप लोग, ठीक है, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, तो कुम्हार यानी कि पोर्टर को सस्टेनेबल बनाना, तो उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई इसके द्वारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। तो अच्छी बात यहां पर यह कि एक हर तरह की कम्युनिटी पर हम लोग फोकस देने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर KVIC क्या है, यहां पर जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलते हैं बेसिकली KVIC, तो ये हमारी कंट्री में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 का उसके हिसाब से इसको बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है, और यहां पर हनी मिशन जैसे इसके द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोग्राम
इसी के साथ में बैम्बो और बैम्बो ओसिस ऑन द लैंड इन द ड्रोथ, यहां पर ये उदयपुर राजस्थान के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था, पढ़ाया भी था मैंने आप लोगों को बोल्ड के बारे में। तो ये बेसिकली यानी बैम्बो के पेड़ लगाने की बात की गई थी, ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एसपीआई यानी स्कीम जो है यहां पर, इसके तहत यहां पर केवीआईसी जो है वो जो भी कुम्हार है उनको फैसिलिटेट करेगा कि आसान लोन उनको मिल जाए, यानी कि इजी लोन मिल जाए यहां पर। तो इजी लोन कैसे मिलेगा उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो चलिए एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। देखिए यहां पर क्या क्या कवर हो गया, एक मैंने बता दिया आप लोगों को यहां पर कि एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसका नाम है एसपीआईएन यानी कि स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो किसके लिए, तो जो कुम्हार है पोटर है उनके लिए एक स्कीम कवर हो गई। दूसरा यहां पर केवीआईसी के बारे में कवर कर लिया, एक बॉडी के बारे में बात कर ली हम लोगों ने। तीसरा यहां पर आप लोगों को यहां पर जो मैं बता रहा हूं ये एक और स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते हैं तो उसका फायदा ये रहता है, आप लोग देखिए ठीक है। तो यहां पर जरा सी देर में तीन चीजें आप लोगों की कवर होगी यहां पर, अगर कल क्वेश्चन बन जाएगा इससे तो जरा सी देर में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। जबकि स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी, फिर से न्यूज में आ गया तो क्वेश्चन बन सकता है। ये थोड़ी ना बोलेंगे 2015 की स्कीम यार फिर से कहां से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो समझिए आप लोग, तो 10 लाख के करीब यहां पर लोन दिया जाता है कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री मतलब कि आप लोगों को उसके लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, लोन आप लोगों को मिल जाएगा। पर लेकिन नॉन कॉर्पोरेट यानी कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी को नहीं मिलेगा, नॉन फार्म एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिलेगा। ये जैसे कुम्हार हो गया, ठीक है, कोई और दूसरा कोई छोटे मोटे घर पे काम करने वाला कोई ऐसा, तो उनको दिया जाएगा। और तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोला गया बेसिकली इसको। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का मतलब क्या है कि 50,000 तक का लोन मिलेगा कोलेटरल फ्री। किशोर का मतलब है कि कवर करेगा 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन। और तरुण का मतलब है कवर करेगा 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लोन का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन अगर बनता है तो ये इसके बारे में आप लोगों से बात की। अब स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। तो एम यहां पर ये है कि एक तरीके से डेवलपमेंट कर सके, क्रिएट कर सके लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर कोई कुम्हार है तो कम से कम अपनी जिंदगी आसानी से चलती रहे। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था जॉब टू एवरी हैंड, यानी कि हर एक हाथ में जॉब मिलेगी हर एक इंसान को, तो हर हाथ में काम, तो ये बात बोलेगी। तो यहां पर बोला गया कि ये नॉन सब्सिडरी एक तो प्रोग्राम है यहां पर, ये केवीआईसी जो पोर्टर को फैसिलिटेट करेगा बैंक से लोन ले सके। और कहां से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ऐसा कुछ कर रही है यहां पर, बस हाँ ये है कि लोन मिल जाएगा और सस्ता लोन मिल जाएगा। नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन एक्सचेकर, तो यहां पर इसका कोई ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और बेनिफिशियरी जो है वो रिकवर पे कर सकता है लोन इजी इंस्टॉलमेंट में आसानी से, ऐसा नहीं कि एकदम सारा पे करना है। तो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट ताकि अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाए। देखिए आज के डेट में बहुत सारी स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, नई नई कंपनियां बन रही है। जब कंपनी बन जाती है तो कई सारे लोगों को जॉब भी देती है, तो इससे फायदा क्या रहता है। एक मान लीजिए आप लोग आज के डेट में कोई अपना एक तरीके से सोच रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके पीछे आप लोग लगे हुए, ठीक है। पर लेकिन सोचिए अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लेके आप लोग बोले कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 लोगों को आप लोग काम देंगे, तो अपना तो घर गृहस्थी चलाएंगे 8 से 10 लोगों को आप लोग जॉब भी देंगे। तो ये बोला जाता है कि जॉब सीकर नहीं जॉब गीवर बनना चाहिए। और हमारे देश में काफी सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो गए, तो बहुत सारे लोगों को जॉब यहां पर दी जा रही है। तो इसके चलते गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर कम हो जा रही है और लोग जो है वो अपने आप यहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अप्रिशिएट करने लायक मूव है यहां पर, ये एक तरीके से कि हाँ इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर फिर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, तो लोग अपने हिसाब से चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर। तो ये जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये बेसिकली इकोनॉमी के बारे में है। क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। बात की जा रही है ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस। ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस मतलब हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रुपी के नोट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यूज किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की फिएट करेंसी है, यानी कि एक तरीके से बैंक यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कल को चलकर कोई दिक्कत होती है तो ये आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि वैलिड करेंसी हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। पर लेकिन पैरेलल में एक और करेंसी चल रही है जिसको आप लोग बोलते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, दुनिया भर की हो गई है। 2009 में स्टार्ट किया गया था, यहां ये था, यहां पर जिसका नाम था यहां पर सतोशी नाकामोटो, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलते हैं, आज तक इसका नाम सामने नहीं आया, वैसे ही कोई उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से फेक नाम कोई बोल सकते हैं। तो आज की डेट में बोला जा रहा है आने वाले टाइम में यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम आने वाला है, ठीक है। चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई, बहुत सारी अलग अलग तरीके की करेंसी यहां पर निकल कर आई। तो आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसको लोग यूज भी कर रहे हैं यहां पर ऑल्टरनेटिव तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सर्विस बोल दिया गया, जो कि बिटकॉइन वगैरह हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गया। तो इसको यहां पर भी बोला गया कि आने वाले टाइम में यहां पर ये चेंज करने वाला डेफिनेशन जो मनी और जो एक तरीके से जनरेट जो यहां पर मनी जनरेट की जा रही है पैरेलल यूनिवर्स में जो काम चल रहा है, तो ऑल्टरनेटिव रहेगा। ऑल्टरनेटिव मतलब इसको यूज कर लो या फिर इसको यूज कर लो, एक होता है सप्लीमेंट्री कि ये तो यूज कर रहे हैं इसको भी कर लो, तो यहां पर इसका नाम देगा ऑल्टरनेटिव। तो सप्लीमेंट्री नहीं,
अल्टरनेटिव बोला गया, तो ये बड़ी बात है कि कल को चलकर लोग इसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो डेवलपमेंट है यहां पर, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से लोगों को दूर कर रहा है और लोग जो इसके ऊपर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट तरीके से काम किया जाएगा, कोई गवर्नमेंट यहां पर इसको टैकल नहीं करती है, कोई गवर्नमेंट इसको बेसिकली अपने कंट्रोल में नहीं रखती है कि यहां पर अपने हिसाब से मार्केट में पैसा बढ़ा दिया, मार्केट से पैसा घटा दिया, लिक्विडिटी बढ़ा दी, लिक्विडिटी घटा दी, नहीं, यहां पर ये एक तरीके से नेचुरली अपने आप यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर फाइनेंशियल सर्विस जो है ऑफर की जाती है यहां पर, तो ऑपरेट करती है आउटसाइड द फेडरल जो बैंक है, बैंक कोई यहां पर कंट्रोल नहीं करेगा, आप लोगों अपने हिसाब से चलेगा। ऑल्टरनेटिव सर्विस ऑफर की जाती है क्रिप्टो जैसे कि मोस्टली नोटेबल करेंसी आज के डेट में जिसको यूज कहते हैं, तो डिजिटल करेंसी के तौर पर भी अभी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, लोग जो है यहां पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से जैसे आप लोग पैसा लेते हैं उधारी वो सारी चीजें, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉपर कोलेटरल देना पड़ता है, ठीक है। यहां पर ऐसा अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं अच्छी चीज है, कई सारे लोग बोल रहे हैं बुरी चीज है, यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि कल को चलकर आप लोगों का कोई पैसा है वो डूब जाता है तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा बिटकॉइन में, पर लेकिन अगर आप लोगों ने बैंक में पैसा रखा है तो वहां पर बैंक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आप लोगों के लिए। बोलता है ना कि डिपॉजिट आप लोगों ने किया तो इंश्योरेंस रहेगा आप लोगों का 5 लाख तक का तो कम से कम मिल ही जाएगा। तो ये बातें अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस भी की थी एक बार। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए गवर्नमेंट और बैंक आप लोगों को पैरेलल में खड़े मिलेंगे जनता को एक तरीके से यहां पर, पर लेकिन इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलता, इसलिए रिस्क ज्यादा रहता है, पर लेकिन अर्निंग भी यहां पर ज्यादा होती है। तो टेक्निकली यहां पर काफी डिफिकल्ट हो जाता है इसको मेंटेन रखने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर बात करें पता चला आज प्राइस इसका कुछ है, कल को चलकर बढ़ गया, परसों बहुत ज्यादा गिर गया, तो दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए एक स्टेबल कॉइन करके इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसके चलते प्राइवेट के द्वारा ही ये बेसिकली इशू किया जाएगा, पर लेकिन ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट की जो मनी होगी, ठीक है, तो उसके साथ में इसको कंबाइन कर देखा जाएगा, उसके साथ में उसको एक तरीके से सिंक्रोनस करके देखा जाएगा कि स्टेबिलिटी इसके तहत बनी रहे और इसको लोग यूज करें ज्यादा से ज्यादा। तो ये कैसा सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश यहां पर देखने को मिल रही है, तो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम निकलकर सामने आ रहा है। तो कोई पूछने लगे ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम क्या है आप लोगों से, तो आप लोगों को स्टेटमेंट में भी देकर पूछ दे कोई कि हाँ ऐसा है, ये है, ये है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छा ये है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए बेसिक नॉलेज कम से कम इसके बारे में आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर इसके बारे में बता दिया। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज की ओर, ठीक है। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं यहां पर कंजर्वेशन के बारे में। तो कंजर्वेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो IUCN के बारे में बात की जा रही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई 2020 की, तो उसके बारे में बात की गई। वर्ल्ड में लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग बॉडी है IUCN। आप लोगों ने देखा होगा उसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया, उसको दूसरी लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो ये सारे काम IUCN बोलते हैं। IUCN यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इनके द्वारा अभी यहां पर बेसिकली यहां पर क्या किया गया, पोस्टपोन फ्रॉम 2020 से लेकर सेप्टेम्बर 2021। तो ये अभी कहां पर देखने को मिला, ये बेसिकली फ्रांस के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो मास ले फ्रांस में यहां पर ये चीज देखने को मिली कंजर्वेशन के बारे में बात की। तो यहां पर देखिए क्या चल रही है चीजें अभी, ये बेसिकली क्या है अभी यहां पर ये होने वाली है चीजें, तो अभी इनको क्या किया जाए, पहले होनी थी उसके चलते यहां पर 2020 में काफी लार्ज स्केल पर क्या हुआ वहां पर आप लोगों को देखने को मिला, COVID-19 तो चीजें हुई नहीं, तो आगे उनको लेकर चला जा रहा है। जैसे कि ओलंपिक भी आप लोगों को देखने को मिला, टोक्यो ओलंपिक 2020 का ही था उसका नाम, पर लेकिन हुआ 2021 में जापान के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग अगर बात करें यहां पर जो एड्रेस किया जाएगा कंजर्वेशन जो प्रायोरिटी है यहां पर, IUCN जो है यहां पर बेसिकली ये वर्ल्ड एक तरीके से वर्ल्ड जो कंजर्वेशन कांग्रेस है जो कि यहां पर फोकस करती है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, फर्स्ट कंडक्ट की गई थी 1948 में, और ग्लोबल जो यहां पर ग्लोबल इंडिजिनस जो एजेंसी है, ठीक है, तो IUCN के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ग्लोबल इंडिजिनस जो एजेंडा डेवलप किया गया था IUCN के द्वारा, इंडिजिनसली जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन है मेंबर उनके द्वारा मिलकर। इसके लिए अगर कुछ मैं आप लोगों से बातें करूं, 10 हाई लेवल प्रपोजल है इसके, जिसको 5 लेवल में इनको डिवाइड किया गया। पहला बात की जा रही है यहां पर इंडिजिनस गवर्नेंस, यानी कि लोकल लेवल पर काम करेंगे, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कैसे रिकवर करना है COVID-19 के इफेक्ट से, और कैसे फूड सिक्योरिटी को लेकर चलना है, और ग्लोबल पॉलिसी सेटिंग कैसे करनी है। तो IUCN के बारे में फोकस यहां पर करेंगे। तो अपडेट किया जा रहा है IUCN की जो रेड लिस्ट है उसको भी ग्लोबल लेवल पर, जहां जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिए, कुछ और बातें करूं, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बेसिकली बहुत गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंडर काम करती है। 1948 में बनाया गया, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और यहां पर IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीसीज के बारे में बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव इन्वेंट्री, यानी कि जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके अंदर कंबाइन किया जाता है। तो IUCN के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताई, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर और बातें करूं मैं आप लोगों से यहां पर, तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोली गई है कि यहां पर जैसे कि अगर आप लोगों से बोला जाए
कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहां पर कुछ इंपैक्ट पड़े जिनके बारे में मैं डायरेक्ट अगर आप लोगों से बातें करूं तो यहां पर इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बोली गई कि फिलहाल के टाइम पर अभी दिक्कतें देखने को मिल रही है कि इंडोनेशिया में इंडोनेशिया में यहां पर कोमोडो ड्रैगन करके बोला गया यहां पर ये आप लोग यहां पर देखते हैं कोमोडो ड्रैगन ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है यानी कि जो छिपकलियां वर्ल्ड में सबसे बड़ी छिपकली मानी जाती है इसको वनरेबल से हटा के इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दिया गया है ठीक है तो ये भी यहां पर इनके द्वारा बोला गया तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी एक फिश है ट्यूना तो ट्यूना स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है तो वो रिकवर कर रही है कुछ चीजें घट रही है कुछ चीजें बढ़ रही है वो सारी चीजें यहां पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो कई सारी बातें बोलेगी तो यहां पर इसकी जो ये छिपकली इसके बारे में और ट्यूना फिश के बारे में बोला गया तो ये बढ़ रही है बाकी यहां पर अलग अलग एरिया में पाई जाती है वो एक अलग बात है पर लेकिन सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव के बारे में बात की गई फंड किया गया पूछे कोई आप लोगों से किसके द्वारा तो जर्मनी और इसी के साथ में पार्टनर है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर तो ये मिलकर यहां पर काम करें सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव के थ्रू ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं जिसमें यहां पर बेसिकली काम किया जाएगा आयुषियन विल वर्क विद 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 5 अदर से जो प्रोटेक्टेड एरिया है पेरू और वियतनाम के अंदर ताकि एक तरीके से रिजिलिएंट कम्युनिटी के बेस पर टूरिज्म सेक्टर को भी ढंग से जहां पर चीजें जो डिसरप्ट हो रही है तो उनको ढंग से मेंटेन रखा जा सके तो यहां पर भी ऐसे ऐसे एरिया में भी आयुषियन काम करता हुआ नजर आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या चीजें कहां कहां पर हम लोग फोकस देकर चल रहे हैं और किस किस चीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ठीक है तो ये बातें यहां पर मैंने आप लोगों को बताई तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए ठीक है तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने यहां पर एक बार देख लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी ठीक है इसी के साथ में हमने यहां पर देखा बेसिकली यहां पर एक इंपॉर्टेंट डे इसके बाद में फिर हम लोगों ने न्यूज देखी इंटरनेशनल न्यूज में इकोनॉमिक इमरजेंसी के बारे में बात की साथ ही साथ में हम लोगों ने यहां पर फाइनेंशियल जो बेसिकली इमरजेंसी है उसके बारे में बात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बेसिकली क्या बात की हम लोगों ने SPIN के बारे में बात की ये एक पर्टिकुलर स्कीम है कुम्हार कम्युनिटी के लिए जिसके बारे में हम लोगों ने जाना और इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर KVIC के बारे में जाना खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और मुद्रा के बारे में जाना इसी के अंदर ठीक है आगे हम लोगों ने यहां पर अर्थ सूट प्राइस के बारे में जाना किस किस को मिला है और यहां पर क्या कंडीशन है वो सारी चीज समझी इकोनॉमी के बारे में अल्टरनेटिव जो करेंसी सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने समझा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टॉक्सिक O3S तो इसके बारे में समझा क्या क्या है सनस्क्रीन के बारे में और कैसे कोरल रीफ पर क्या इंपैक्ट डाल रही है वो हम लोगों ने समझा कंजर्वेशन IUCN के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर इसके बारे में डिटेल में चीजें समझी IUCN क्या है क्या क्या चीजें चल रही है तो सारी बातें आ गई सामने निकल कर ठीक है तो ये था टोटल डिस्कशन अब एक बार क्विज आप लोग देख लीजिए इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की SPIN स्कीम जो है ये पोर्टल सेल्फ सस्टेनेबल के बारे में बात की जा रही है फुल फॉर्म बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर यहां पर आता है ये बताना आप लोगों ये यहां पर किन दो पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया अर्थ सूट प्राइज इंडिया के अंदर और बाकी 15 को दिया गया वैसे तो अर्थ सूट प्राइज यहां पर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था कौन सा आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं योजना कौन सी यहां पर 2015 में लॉन्च की गई थी ना तो किसानों के लिए ना ही यहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए O3S मैंने आप लोगों को बताई दिया बेसिक है ठीक है आगे चलते हैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट डे का तो यहां पर देखिए अगला महीना स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का तो देखिए अब कैसे आप लोगों को टाइम को आगे लेकर चलना है ठीक है तो चीजें देखिए ढंग से यूटिलाइज कीजिए बात की जा रही है वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में तो थीम आप लोगों को बतानी है IDUI क्या इसके बारे में आप लोगों को बताना था BSI क्या इसके बारे में बताना था ठीक है टोटल मिलाकर बोला गया कि कंजर्वेशन जो हमारी कंट्री में स्पीसीज देखने को मिली है ठीक है 267 तो यहां पर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिली है आप लोगों को बताना था इसके बारे में डिस्कस किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में 45,000 स्पीसीज है तो हमारी कंट्री में कितना परसेंट है इसका हम लोगों ने मेथेन के बारे में बात की थी CH4 के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में कितना हाई ये इन्वायरमेंट को गर्म करती है ये आप लोगों को बताना था नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर बच्चों के एजुकेशन को सुधारने की बात की है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये आप लोगों से डिस्कस किया था ठीक है देख लेते हैं ये आंसर एक बार ईयर ऑफ द नर्सिस एंड मिडवाइफ तो यहां पर वर्ल्ड हार्ट जो वर्ल्ड हार्ट डे है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल डे फॉर जो यहां पर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये सेलिब्रेट किया जाता है द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात की तो याद रखिएगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है टोटल मिलाकर 267 स्पीसीज नहीं देखने को मिली ठीक है 22% जो है डिस्कवरी यहां पर देखने को मिली वेस्टर्न घाट के अंदर में और वेस्टर्न हिमालय के अंदर में 15% ईस्टर्न हिमालय के अंदर 14% और नॉर्दर्न रेंज 12% 45,000 स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिली प्लांट्स की हमारी कंट्री में और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड का 7% है ठीक है यूरोपियन यूनियन और USA का जो इफर्ट है दोनों का मिलाकर मेथेन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है 80-85% CH4 जो है वो गर्म होती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है नीति आयोग के बारे में बात की तो बायजू के साथ मिलकर काम करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो इधर टोटल आज का डिस्कशन PDF जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और यहां पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कुछ पर्सनल चीजें आप लोगों को शेयर करनी है ठीक है जो कि पब्लिक ने ही लिख सकते हैं जैसा मैंने बोला था कई सारे बच्चे रेगुलर लिख रहे हैं कि मॉर्निंग में आप लोग लिखा करो द हिंदू के नीचे क्या आप लोगों को आज की डेट में अचीव करना है
आज का प्लान क्या है, और इवनिंग में नैनो के नीचे लिखा करो क्या क्या आप लोगों ने अचीव कर लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है जिसमें आप लोग अपने आप को अकाउंटेबल ठहराओगे पब्लिकली, तो ये जरूर इसको लेकर चलो। बहुत सारे बच्चे इसको रेगुलर लिख रहे हैं, पर लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आप लोगों को अच्छा फायदा पहुंचाएगी। एक दो दिन लिखकर छोड़ दोगे फिर आप लोग रहेगा यार क्या है, सही है, चल तो रहा है, तो वो तो चलता ही रहेगा। नेचर चेंज करना है तो कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या अचीव किया है आज आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना, कई सारे बच्चे लिख भी रहे, पढ़ना उनका, अपने आपको भी मोटिवेट करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोड़ोगे प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर, तब तक के लिए जय हिंद।